हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस को देखेंगे। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए सिलेबस देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप सिलेबस को नहीं देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों आपको फिर मालूम नहीं चलेगा कि आप कितने तैयारी करेंगे, कितना पढ़ेंगे और आपका सिलेबस कब तक खत्म होगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इस बार का जो एग्जाम का न्यू पैटर्न है, क्योंकि सिलेबस का मतलब हुआ कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और पैटर्न का मतलब हुआ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इन दोनों चीजों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिए। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कोई स्टूडेंट है जो कि पूरे साल तैयारी करता है लेकिन उसका मार्क्स जो है वो अच्छा नहीं आता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट क्या होता है, वो एक सिलेबस को फॉलो करता है कि इस चैप्टर में हमको इतना दिन लगाना है, इस चैप्टर में इतना दिन लगाना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है तो इसको अभी छोड़ दो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप तैयारी जो है सही समय पर करेंगे और आपका जो सिलेबस है वो सही समय पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यू पैटर्न आपका एग्जाम का क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसके बाद जो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले 2023 में, उसमें आखिर क्या क्या होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ जो है वो कैसे मिलेगा, इन सभी चीजों को दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसको बता दें इस बार क्या क्या बदला हुआ है, न्यू पैटर्न क्या है। तो अगर हम लोग 2021-2022 का जो पैटर्न देखेंगे दोस्तों, पैटर्न जो है आपका सेम है। यहाँ पर देखिए, हम लोग बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं पैटर्न को लेकर के, वैसे अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरी तरीके से लास्ट तक देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है सभी बोर्ड में, तो यहाँ पर हम लोग इसको बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पैटर्न और क्वेश्चन पेपर, तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव जो है जैसे कि मालूम है टोटल 50 मार्क्स का पूछता है, वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में तो वो भी आपको टोटल 50 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे कि 2021-22 में क्या था कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछता था, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता था और 100 में से आपको कितना बनाना है, 50 बनाना। ठीक है, तो 2023 में भी जो है आपका यही पैटर्न रहेगा, अभी तक कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन बनाना है, 100 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाना और 50 में से आपको 50 मार्क्स मिलेगा। अब वहीं पे हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव में जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, एक बोलते हैं दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको 30 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 20 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि 20 अंक का। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 30, 30 में से आपको बनाना है 15 और 15 में दोस्तों एक एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपको 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का, तो टोटल आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से दोस्तों आपको जो है 5-5 करके मतलब कि 4 बनाना है और एक में आपको 5 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपको जो है 20 मार्क्स मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में 50, सब्जेक्टिव में 50, टोटल आपको 100 मार्क्स जो है मिलेगा, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इस बार का यानी कि जो पैटर्न है एग्जाम का सेम टू सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इस बार आपका यही बदलाव नहीं हुआ। ठीक, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सेम आपका पैटर्न हुआ है। अब दोस्तों कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, अगर हम लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड की बात करें तो दोस्तों बिहार बोर्ड में जो है कोई भी सिलेबस को नहीं घटाया गया है। जी हाँ, 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 में भी आपका कोई भी सिलेबस को नहीं घटाया गया है, ये सभी चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपोर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर जाने कि सभी चैप्टर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल क्लास 12 में जो है 2 बुक होता है, यानी कि टोटल आपके क्लास 12 में 2 बुक होगा, एक बुक का नाम रहेगा समकालीन विश्व में राजनीति, जहां पर हम लोग दोस्तों पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे 1945 के बाद से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1945, क्योंकि शीत युद्ध का जो दौर शुरू होता है वो 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है। ठीक है, तो शीत युद्ध का दौर से लेकर के दोस्तों हम लोग जो है वैश्वीकरण तक, वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब सारे देश मिलकर के जो है एक प्रकार का कारोबार करने लगता है, एक वैश्वीकरण मतलब एक गांव, यानी कि पूरा दुनिया जो है गांव बन जाता है और आपस में कारोबार करने लगता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व में राजनीति में पूरे विश्व के बारे में। और वहीं पे दूसरा बुक का नाम है दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति, जहां पर हम लोग सिर्फ भारत के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का मतलब क्या हो गया, जब दोस्तों यानी कि 1947 में हम लोगों का देश आजाद हुआ तो उसके बाद राष्ट्र निर्माण में यानी कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे पूरे देश को जब बंटवारा हो गया था तो पूरे देश को कैसे एक कर मतलब कि
करने में कितनी मुश्किल हुई, राष्ट्र निर्माण करने में कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको देखते हैं। और उसमें से शुरू करने के बाद दोस्तों भारतीय राजनीति क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरे कांग्रेस पार्टी का कैसे दबदबा चलता है सारा चीज, यानी कि हम लोग अभी तक एंड तक दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो बुक टोटल आपका दिया हुआ पॉलिटिकल साइंस में, दोनों को मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या बदला हुआ, पैटर्न आपको पता चल गया, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में दो प्रकार के प्रश्न, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि दीर्घ और लघु। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सभी चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ना है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी, जो भी चैप्टर आपका नहीं पढ़ना होगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, वैसे तो मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं और अक्सर मैंने कि इस सब्जेक्ट से जो है स्टूडेंट डरते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको अभी क्या करना है, लड़ना है। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए शीत युद्ध का दौर जो है आपका काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत भी आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर समकालीन विषयों में सुरक्षा थोड़ा सा इंपोर्टेंट, उतना नहीं है। समकालीन विषयों में दोस्तों सत्ता के वैकल्पिक और ये चार चैप्टर जो है आपका इंपोर्टेंट है ऊपर वाला, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो ये जो है आपका वीवीआई चैप्टर है, कौन कौन सा राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक दल यानी कि कांग्रेस का कैसे दबदबा चलता है, नियोजित विकास की राजनीति यानी कि कैसे कैसे जो है राजनीति में पॉलिटिक्स आ जाती है, यानी कि विकास करने में डेवलपमेंट करने में पॉलिटिक्स आ जाती है, ठीक है। भारत की विदेश संबंध बहुत ही बुरे चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली के बारे में, यानी कि कांग्रेस को क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे कैसे वो पार्टी खत्म होने के बाद फिर से बनी, इंदिरा गांधी जो है गरीबी हटाओ का नारा चलाया था, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपको टोटल पांच चैप्टर जो है काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है और ऊपर वाला बुक यानी कि समकालीन विश्व राजनीति में जो है टोटल आपका तीन चार चैप्टर जो है आपको इंपोर्टेंट है। तो शुरू वाला चार चैप्टर और इधर शुरू वाला पांच छह चैप्टर आपका काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बुक को पढ़ेंगे यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, पहले इस किताब को पढ़ेंगे, उसके बाद ये 9 चैप्टर खत्म करने के बाद फिर दोस्तों हम लोग जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति इस बुक को पढ़ेंगे। टोटल आपको 18 चैप्टर मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में, तो आप लोग को खत्म करना है। तो चीज आपको समझ में आ गया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब कितना मार्क्स पूछा जाता है दोस्तों, तो सभी का, यानी कि जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया तो इसमें से कम 8 से 10 मार्क्स का जो है वेटेज रहता है, कभी 6 मार्क्स भी पूछ लेता है, कभी 10 कभी 12, तो इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको तैयारी कराऊंगा मैं आपको सारा चीज एक एक करके बताते चाहूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। तो आपको तीन चार चीज समझ में आ गया, सबसे पहला आपको पैटर्न क्या क्या बताया हुआ, यानी कि कौन कौन सा प्रश्न जो है कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये आपको समझ में आ गया। उसके साथ ही दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि इस बार जो है क्या क्या बदला हुआ, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है ये भी चीज मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल आता है कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है और तैयारी कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप 450 टॉप करना चाहते हैं, तो एक टॉपर स्टूडेंट के लिए जो है सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। अब आपको पढ़ना कैसे है और कौन सा बुक पढ़ना है, इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, और उसके बाद हम लोग जो न्यू बैच स्टार्ट करेंगे उसको फिर बताएंगे, उसके बाद फिर ये वीडियो जो है खत्म करेंगे, ठीक है। और एक दो दिन में जो है आपका क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो देखिए बुक जो है दोस्तों पहले कौन सा लेना है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप इन फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, यानी कि बीपीएससी यूपीएससी लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक जो है अभी मेरे नजर में वो दोस्तों आपको मिलेगा एसबीपीडी, ठीक है। मैं स्पेलिंग यहां पर मिस्टेक कर दिया हूं, एसबीपीडी, ये प्रकाशन है, बहुत ही अच्छी बुक इसमें मिलती है। तो आप ये प्रकाशन का बुक जाके खरीद दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही मस्त बुक होती है। और एक आपको एनसीईआरटी तो खरीदना ही है, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, छोटा बड़ा, बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉम्पिटिशन एंट्रांस, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ ही आपको एक एसबीपीडी पढ़ लेना है। एसबीपीडी से क्या होगा, आपकी जो है आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, पहले अभी अगर आप अभी इंटर की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो इनफ आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, बाकी मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तैयारी कैसे करना है इस चीज को समझिए, उसके बाद फिर पीडीएफ। देखिए तैयारी करने का दोस्तों आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने के बाद उसका इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो कर लीजिए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्न पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए, साथ ही साथ गेस प्रश्न को बनाइए, गेस मतलब क्या, जो इंपॉर्टेंट है और पिछले साल के 4-5 साल का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है उसको भी बना लीजिए, ठीक है। वो सारा मैं करवाऊंगा आपको, इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस मैं आपको बता रहा हूं तैयारी कैसे करना है। उसके बाद फिर दोस्तों आपका जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक होता है 2009 से लेके या फिर पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको बना लीजिए, बस आपकी जो तैयारी वो काफी अच्छी हो जाएगी। और 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, 100 में से आप 100 का टारगेट रख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, टोटल आपका पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, यानी कि 2 किताब है, चैप्टर यानी कि पहला बुक का जो नाम है वो क्या है, समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें से शीत युद्ध का दौर एक चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा का नाम क्या है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व,
उसके बाद सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पांचवा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, छठा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन, सातवां है समकालीन विश्व में सुरक्षा, आठवां है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, नौवां चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण है, ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर के बारे में यानी कि जो दूसरा बुक है आपका जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जहां पर हम लोग सिर्फ भारत से रिलेटेड सिर्फ भारत के बारे में पढ़ते हैं, आजादी के बाद से लेकर के आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद से लेकर के अंत तक पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जहां पर हम लोग राष्ट्र को एकत्र करने में, क्योंकि आपको पता है हैदराबाद वो अलग होना चाहता था और बहुत सारे रजवाड़ वो अलग होना चाहता था, ठीक है, पंजाब वो अलग होना चाहता था, तो सभी को कैसे मिलाया। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर चला, फिर नियोजित विकास की राजनीति यानी कि कैसे कैसे प्लानिंग के साथ उसमें पॉलिटिक्स घुस गया, लेकिन फिर भी जो है नियोजित यानी कि एक प्रकार का प्लानिंग हुआ और देश जो हम लोगों का आगे बढ़ा। फिर भारत का जो विदेश संबंध है यानी कि भारत का जो विदेश दूसरे दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध है, उसके बाद फिर कांग्रेस प्रणाली यानी कि कांग्रेस के अंदर में कैसे कैसे चुनौती आई कांग्रेस पार्टी के अंदर में, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, फिर लोकतांत्रिक, फिर जन आंदोलन, क्योंकि कई कई प्रकार के आंदोलन होने लगे, फिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो इन सभी चैप्टर यानी कि टोटल 9 चैप्टर आपका दूसरा बुक में भी है, इनको हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गई। अब चले हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है तनु क्लासेस, वहां पर आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये जो पैटर्न है वो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, बाकी ये सभी अगर आप किसी और बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, चाहे आप जैक बोर्ड से, राजस्थान RBSE बोर्ड से, तो भी आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो सभी बोर्ड में अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो NCERT लेवल का ही पढ़ाऊंगा, तो आप भी यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चाहते हैं न्यू बैच फॉर 2023 एग्जाम यानी कि 2023 के जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे तैयारी होगी, आपका सिलेबस कब तक खत्म होगा, कैसे कैसे आपको तैयारी करवाएंगे और आपको PDF कैसे मिलेगा, सभी चीजों के बारे में बस जान लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो 2023 के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर आपको पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके पूरा एक्सप्लेनेशन जैसे 2022 में करवाए थे वैसे 2023 के लिए भी आपको करवाएंगे, ठीक है। पूरा थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन करवाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा सुनने में, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा आपको ऑल सब्जेक्ट का यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है आपका आर्ट्स में, जितने भी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट का जो है आपको ऑब्जेक्ट यानी कि जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है वो करवाएंगे। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्न है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दोनों प्रकार के प्रश्न को आपको करवाएंगे चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पिछले साल के जैसे 2020 में, 21 में, 22 में, 18 में, 19 में जितने भी आपको मॉडल पेपर जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा वो भी आपको करवाएंगे, अदर बोर्ड का भी करवाएंगे। साथ ही आपको ऑफिशियल मार्केट में जो मॉडल पेपर मिलता है जैसे ब्रिलियंट का या फिर कोई भी अदर प्रकाशन का, टारगेट का, ठीक है, तो वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट जो है आपको एग्जाम से 3 महीना पहले करवाएंगे, जहां पर हम लोग सिर्फ गेस और इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे और ये मॉडल पेपर जो है आपको बीच बीच में करवाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर PVC और क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक करवाने के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि अगर आप लोग पिछले 10 साल के प्रश्न को कर लेते हैं तो जैसे आपको मालूम है कम से कम 50 से जो है 70-80% प्रश्न जो है यही से पूछा जाता है। तो इस बार भी हम लोगों ने 2022 वाले जितने भी छात्र एग्जाम दिए हैं, आपको एक खुशखबरी बताते हैं, हम लोगों का इस चैनल में पढ़ के जो है एक स्टूडेंट जिसका नाम है नेहा कुमारी 450 मार्क्स लेके आया है, वो जो है पटना जिला में 4th रैंक में आई है, पटना जिला में 4th रैंक में, ठीक है। इसी चैनल से तनु क्लासेस .com से पढ़ करके जो है वो इतना मार्क्स को लेके आई है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग भी लेके आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 443, 445, 443, 438 ऐसे करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट नंबर लेके आए, ठीक है, तो आप भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बस आप अच्छे से बने रहिए। क्वेश्चन बैंक को करवाएंगे, साथ में आपका लाइव टेस्ट लेंगे, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लेंगे, फिर स्पेशल आपको एग्जाम टिप्स देंगे कैसे कैसे आपको कॉपी लिखना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है अगर आप क्वेश्चन नहीं आए तो, ठीक है। और भी आप लोग इसके साथ साथ बहुत कुछ करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जरूर देख लीजिए, ये नंबर 6287113760, कभी भी आपको कोई इंक्वायरी करना हो तो आप जरूर कॉल भी कर सकते हैं, पहले आप मैसेज करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। कोई भी PDF के लिए मैंने आपको क्या बताया, गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, और कोई भी नोटिस के लिए जो है आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना तनु क्लासेस, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 12 स्टूडेंट के लिए जो आप PDF लेना चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। PDF देखिए, वैसे अगर आप, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, अगर आप इसको फ्री में लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब फ्री में कैसे लिया जाता है वो आपको बता देता हूं। 12 स्टूडेंट के लिए दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़ें, कोर्स चाहे लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। देखिए,
ऊपर हमने आपको जितना भी चीज बताया, सारी चीजें जो बताया, ये सब कुछ आपको YouTube पे जो है फ्री मिलेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम नोट्स जो है वो खुद से कर रहे हैं, यानी कि अगर आप PDF नहीं लेंगे, आप वीडियो देकर के ही अपने से लिख लेंगे, और क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट्स, जितना भी चीज आपको पढ़ाएंगे अगर वीडियो देकर आप लिख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और लिखने से ज्यादा याद होता है, ये भी आपको मालूम है, जितना लिखेंगे उतना याद होगा, क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो जितना आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये 12th जो क्लास है वो आपका है, तो आपको तो लिखना पड़ेगा ही, तो अगर आप लिखेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही फायदामंद होगा, आप बिल्कुल भी PDF ना लें। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि PDF लेना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर हमको फिर भी PDF चाहिए। तो PDF के लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप वीडियो देख के भी खुद से नोट्स कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख करके खुद से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ अपने से मोबाइल में देख करके नोट कर सकते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, खुद से कीजिए। लेकिन अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो उसको कैसे देना है, कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए सभी सब्जेक्ट का जो भी PDF लेना चाहते हैं आपको, एक जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, टोटल यहाँ पर 8 सब्जेक्ट है और यही 8 सब्जेक्ट का आपको PDF मिलेगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। जैसे फिलोसफी हम लोगों ने तैयार नहीं किया, सोशियोलॉजी का नहीं है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का जो है आपको नहीं मिलेगा, ये 8 सब्जेक्ट का भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का लेंगे, जैसे किसी को हिस्ट्री लेना है, किसी को ज्योग्राफी लेना है, यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का लेंगे तो आपको 99 रुपीज पड़ेगा इस सब्जेक्ट का। अगर आप पूरे सब्जेक्ट का लेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट का टोटल 5 या फिर कोई कोई अगर एक्स्ट्रा में रख देता है तो 6 सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप पूरे सब्जेक्ट का लेंगे तो टोटल आपको जो चार्ज पड़ेगा दोस्तों वो कितना पड़ेगा, बिल्कुल वो आपको पड़ेगा 250 रुपए, ठीक है। तो टोटल आपको 5 या 6 सब्जेक्ट अगर लेंगे तो आपको 250 रुपए, वहीं पर अगर आप मात्र एक सब्जेक्ट का लेंगे तो आपको 99 रुपए पड़ेगा, ठीक है। ये आपको कैसे मिलेगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए टोटल, जैसे इस बार हम लोगों ने 2022 में क्या किया था, टोटल 8 ग्रुप बनाया था, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल का अलग। अब जो जो स्टूडेंट जो जो सब्जेक्ट का लिया खरीद करके उसको उन्होंने ग्रुप में जोड़ दिए, उसके बाद PDF जो है उस ग्रुप में हम आसानी से भेज दिए, ठीक है। तो इस बार भी वही करेंगे, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों लेंगे तो तीनों ग्रुप आपको जोड़ देंगे, अगर आप एक लेंगे तो एक ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां पर जो है PDF भेज देंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट डिमांड करता है कि नहीं सर हमको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का चाहिए, हमको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का चाहिए, हमको 4, हमको 5। तो देखिए जो भी सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का चाहिए तो 150, 3 का 199, 4 का 250, 5 का 250। लेकिन फिर से बता रहा हूं, अगर आप खुद से वीडियो देकर के नोट्स बना सकते हैं, PDF को अपने से नोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो ये कोर्स आप ना ले, बेकार में आप 99 रुपये या फिर 250 रुपये यहाँ पर बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अपने से लिखेंगे तो आपको फायदा भी ज्यादा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको टाइम कम है या फिर और भी कोई चीज का तैयारी करते हैं तो आप ले सकते हैं। अब पैसे वगैरह कैसे आपको देना है तो वो चीज आप समझ लीजिए, और PDF मैं कैसे दूंगा वो तो आपको बता दिया, ठीक है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको इस नंबर पे Paytm, फोन पे, गूगल पे, सभी में एक ही नंबर है, इस नंबर पे या फिर अकाउंट नंबर पे आप पैसे भेजना पड़ेगा जो भी आप लेना चाहते हैं। साथ ही में आपको जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद अपना नाम लिख के भेजना है, साथ में आपको भेजना कौन सा सब्जेक्ट का आपको लेना है, ठीक है, वो भी बोलना है। व्हाट्सएप इस नंबर पे आपको सेंड करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मिलेगा, इसी पे आपको सेंड करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे दोस्तों तो कोई भी मान्यता नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी 2030 में देने वाले एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, एक भी आपको पैसा नहीं लगेगा, अगर आप खुद से नोट्स करेंगे तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो 100% आपको जो फल है वो काफी मिलेगा। बस आप कदम से कदम आपका मिला करके चलेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचाना हम लोगों का काम है, मेहनत करना सिर्फ आपका काम है, बाकी गाइडेंस देना कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, ये सारा चीज मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हम लोग इस बार नया नया ऑनलाइन में पहली बार आए थे, क्योंकि ऑफलाइन अलग होता है ऑनलाइन अलग होता है, ठीक है। तो 450 जो है हाईएस्ट आया है। अब मैं अगले बार का गारंटी देता हूं कि आप में से ही कुछ ऐसे छात्र होंगे जो इस बार का बिहार बोर्ड टॉपर बनके दिखाएगा, 480-470 मार्क्स लेके आएगा, जी हाँ। तो प्लीज आप लोगों से छोटी सी आग्रह है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सिलेबस यानी कि क्लास जो है कुछ ही दिन के अंदर शुरू होने वाली है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइन कर लीजिए। जैसे भी आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, गूगल पे जाकर PDF पे सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही मजे के साथ हम लोग शुरुआत से एकदम शुरू करेंगे। और एक चीज आपको बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि सर अभी बहुत टाइम है बाद में तैयारी करेंगे, तो देखिए ये टाइम आपका कब गुजर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, समय को भी पता नहीं चलेगा, और एक वक्त आएगा कि समय के पास भी उतना समय नहीं रहेगा कि वो आपको दोबारा समय दे सके, ठीक है। मेहनत हम लोगों को इतनी खामोशी से करना है कि सफलता शोर मचा दे, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं, और एक नया वीडियो में नई शुरुआत में पहला चैप्टर से शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थैंक यू।